हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के बीच देखिए जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है उसका बीएड सेकेंड ईयर सेशन 22-24 का बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। और आज कोर्स 10-9 का एग्ज़ाम हुआ है, कल आपका कोर्स 10 का एग्ज़ाम है। तो देखिए आपका 80 नंबर का दो पेपर हो गया, सीएट और C9, एक आपका मेथड हो गया है। तो आपका आज कोर्स 10 हो, कल आपका कोर्स 10 का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद लास्ट में आपका ऑप्शन में बच जाएगा, उसका भी आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोर्स 10 के लिए हम लोग, क्योंकि 9 क्वेश्चन देगा 3 यूनिट में, तो प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको 5 प्रश्न का जवाब देना है। दो क्वेश्चन कोई भी यूनिट से दे सकते हैं। यदि 6 क्वेश्चन देगा तो 3 का जवाब देना होगा, समझे? तो 9 देगा तो 5 देगा लिखने के लिए, यदि 6 क्वेश्चन देगा तो आपको 3 का जवाब देना होगा। देख लीजिएगा निर्देश में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए पेपर का नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, समझे? और इसमें क्या होता है कि आपका 40 नंबर का पेपर होता है और समावेशी शिक्षा से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है। तो देखिए यूनिट 1 में आप अच्छा से, क्योंकि आपका 9 क्वेश्चन देगा, समझे? तो समावेशी शिक्षा आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़ के जाइएगा, समझे? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका रहेगा। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यकता और चुनौतियों का वर्णन। यानी समावेशी शिक्षा आप क्या करना है, अच्छा से पढ़ के जाना है। देखिए दूसरा चीज़ है, उसमें पढ़ लीजिएगा उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करता है ये सब चीज़। और दूसरा में पढ़ लीजिएगा विशिष्ट शिक्षा और समावेशी एकीकृत शिक्षा क्या होता है और तीनों में क्या अंतर है। यानी विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को अच्छा से पढ़ लीजिएगा और तीनों में अंतर को देख लीजिएगा, समझे? यूनिट 1 में इतना कर लीजिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए यूनिट 2 में आपका विशेष आवश्यकता वाले बालक पूछता है, यानी विशिष्ट बालक उसी में कैटेगराइज कर देता है। जैसे आपका पूछ देगा कि श्रवण बाधित बच्चा क्या होता है, समझे? जैसे पिछले बार दृष्टि बाधित पूछा हुआ था, तो इस बार आपका श्रवण बाधित आ सकता है। तो श्रवण बाधित बालक से आप क्या समझते हैं, इसके शैक्षिक प्रावधान का वर्णन करें। या क्वेश्चन ऐसे भी दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि विभिन्न योग्यता वाले बच्चे की प्रकृति और प्रकार बताइए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विशिष्ट बालक का प्रकार बताइए या विभिन्न आवश्यकता वाले बालक का प्रकार। सब एक ही नाम है, सब एक ही चीज़ है, समझे? विशिष्ट बालक या विभिन्न आवश्यकता वाले बालक, समझे? या विशेष बालक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं देख लीजिएगा, समझे? और एक और देख लीजिएगा कि समावेशी विद्यालय में अभिभावक और शिक्षक की भूमिका का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। देखिए यूनिट 3 में जो क्वेश्चन आता है आपका, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आपका पूछेगा कि समावेशी स्कूल के में क्या क्या हम सृजन के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अब देखिए आगे है यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शैक्षिक उपाय और शैक्षिक रणनीति का वर्णन करें। यानी समावेशी शिक्षा अच्छा से कैसे चले, इसके लिए क्या क्या रणनीति होना चाहिए। हमको सुलभ शौचालय बनाना होगा जिसमें ट्राई साइकिल, मतलब जो भी चीज़ है क्या क्या रणनीति होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अनुकूलन इसमें नहीं लिखे हैं, समझे? क्योंकि हम ये 6 क्वेश्चन पर दिए थे, लेकिन आपका 9 क्वेश्चन पर आएगा। तो एक अनुकूलन देख लीजिएगा, समझे? कि समावेशी शिक्षा में अनुकूलन क्या होता है, समझे? अनुकूलन मतलब बच्चों के लिए आप अनुकूल वातावरण कैसे निर्मित कीजिएगा। और एक सतत एवं समग्र मूल्यांकन का महत्व लिखे, विशिष्ट बालक के मूल्यांकन में सतत व्यापक मूल्यांकन का क्या योगदान है, समझे? तो कहने का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा ज़्यादा, क्योंकि इसमें समावेशी शिक्षा से ही रिलेटेड आपका तीनों यूनिट में क्वेश्चन आता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्योंकि 40 नंबर का पेपर होता है, आप 18 नंबर का 5 क्वेश्चन लिखना होगा, तो आराम से आप लिख सकते हैं, समझे? तो इसमें आपको क्या करना है, समावेशी शिक्षा ही आपको अच्छा से पढ़ के जाना है, समझे? जैसे यूनिट 1 में समावेशी शिक्षा अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसमें आप श्रवण बाधित विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक देख लीजिएगा, जिसमें प्रतिभाशाली बालक ये सब होता है, समावेशी विद्यालय में अभिभावक और शिक्षक का। दूसरा चीज़ है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, आपका 5 क्वेश्चन का आएगा तो 5 क्वेश्चन आपका आराम से लिखा जाएगा। उसका फॉर्मेट है कि आप प्रस्तावना लिखिए, फिर उसका अर्थ परिभाषा लिखिए, फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे आपका उसका विशेषता पूछा, विशेषता लिखिए लास्ट में, फिर निष्कर्ष लिख दीजिए। तो एक फॉर्मेट में लिखिएगा तो आपका पेज क्या होगा कि फुल हो जाएगा टाइम से पहले, और अच्छा से आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, समझे? तो ये चीज़ आपको करना है। लास्ट में आपको अनुकूलन देख लेना है, समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, और सतत और समग्र मूल्यांकन क्या होता है, सब देख लेना है। इससे आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, समझे? थैंक यू।